हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी सर का होस्ट, आपका दोस्त। और ऑल इंडिया कोटा के लिए मैंने डिटेल लेके आया हूँ। ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन होने के बाद राउंड टू के लिए शेड्यूल का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो आप चेक कर सकते हो, या तो यहाँ पर आप जाके क्लिक करोगे तो शेड्यूल मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया, वो आप जाके देख सकते हो ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए। और जैसा मैं बता रहा था कि राउंड टू के लिए कितने सीट्स, कौन से कॉलेज में बच्चे, कौन से कॉलेज अप्लाई करना चाहिए, कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मुझे वीडियो आपके लिए लेके आना था, मैं लेके आ रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये फुल स्क्रीन मैंने कर दिया है, देखिए बहुत सिंपल है ये जो है। एक सेकेंड ना, ये देखिए मैं इसको पहले दिखा देता हूँ आपको। देखिए, एडमिशन टू द हेल्थ साइंस कोर्स है, नीड यूजी, ऑल इंडिया कोटा। ओके, ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया होम यूनिवर्सिटी है इसका नाम, 2021। 15% सीट्स में BMS, BHMS, BUMS के लिए 3 मार्च को ये PDF जारी की गई है। राउंड टू के लिए कितने सीट्स है, तो ये एक सीरियल नंबर होता है, ये कॉलेज का चार डिजिट का कोड होता है जिससे आप अप्लाई करते हो। ये कॉलेज का नाम है, एड्रेस है, गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो Y, नहीं रहेगा तो N। इनटेक कैपेसिटी कितना है, मतलब टोटल सीट कितना है, 100। उसमें अपने को 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा का है, तो 100 में 15, तो 60 में 9। इसमें माइनॉरिटी रहेगा तो माइनॉरिटी, और AIQ 9। ये AIQ क्या है सर, तो ये वो सीट है जो बाकी है। ओके, मतलब 100 सीट में से YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खारघर में 15 सीट्स थे, जिसमें से 6 सीट्स राउंड वन में अलॉट हो चुके हैं, और उसके बाद अब 9 सीट ही खाली बाकी है। ओके, तो आपको ये देखने के साथ साथ ये भी देखना है कि किस कॉलेज में सीट है, कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि ऑल इंडिया कोटा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसने अप्लाई नहीं किया अभी तक सबको अप्लाई करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को भी बताओ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो रही है राउंड टू के लिए, तो आपके किसी फ्रेंड ने ऑल इंडिया कोटा का नहीं भरा था महाराष्ट्र के वेबसाइट पे, amaacity.org पे, तो उनको सजेस्ट करो कि भरने के लिए, तो उनका एक साल बच सकता है। और इसमें आप राउंड वन में अपने फॉर्म भरा भी था तो आप, और अलॉट नहीं हुआ है तो आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने शेड्यूल वाला वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो चलिए देखते हैं। तो YMT खारघर में नवी मुंबई में 9 सीट है आयुर्वेदिक। देखिए मैं डायरेक्ट नाम से और सीट बताऊँ आपको, बाकी डिटेल स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, मैंने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है। कोड, कॉलेज नेम, एड्रेस, गवर्नमेंट टेक, इनटेक कैपेसिटी, टोटल कितना है, ऑल इंडिया सीट में कितना सीट है और कितने सीट बचे वो। तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नाला सुपारा में 3 सीट बचे है, BHD ट्रस्ट में वागोली पुणे 4 सीट बचे हुए, PD आयुर्वेद महाविद्यालय 3 सीट बचे हुए। ये मैं BMS का देख रहा हूँ, और ये सब अभी सब प्राइवेट कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा में सब प्राइवेट कॉलेज ही आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आते। सुमति भाई शाह आयुर्वेदिक महाविद्यालय हफ्सर पुणे 4 सीट, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वेड़गांव कोल्हापुर 8 सीट्स, जे जे मैगडम आयुर्वेदिक महाविद्यालय जैन सिंहपुर 5 सीट, जसवंत आयुर्वेदिक महाविद्यालय कोल्हापुर 6 सीट्स, LKRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर 5 सीट्स, अन्ना साहेब दांगे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सांगली 5 सीट्स। एक काम करता हूँ, स्क्रीन पे सब विजिबल है, आप देख लो, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर देता हूँ, डेटा बहुत ज़्यादा, रीड करना डिफिकल्ट हो रहा है। संगम कॉलेज 1 सीट, विवेकानंद 5 सीट। ओके, कॉलेज का नाम यहाँ पर नर्सिंग आ रहा है, बट हम लोग BMS के लिए देख रहे हैं। ओके, सेवगांव अहमदनगर 8 सीट, सिद्धाकाला 2 सीट, सप्तश्रृंगी 8 सीट, DS नायक 7, अजमेरा 3, KDMG 3, चालीसगांव चैतन्य आयुर्वेद 3, अश्विन रूरल आयुर्वेद 1, 20 तक देखा हम लोगों ने, 21 से आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हो। LRP आयुर्वेद 3, रूरल इंस्टीट्यूट सतारा 7, MES रत्नागिरी 1, SMBT आयुर्वेदिक नासिक 11, मातोश्री आराबाई नासिक 1, SI आयुर्वेदिक सोलापुर 1, स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदनगर अहमदनगर 4, गजानन महाराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 3, दीपक पाटिल 1 कोल्हापुर, BR हार्डनी कॉलेज अंबरनाथ 5, देन राष्ट्र जनार्दन स्वामी आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर 15, आइडल कॉलेज पालघर 15। ओके, तो ये एक हो गया। ओके, फिर देखिए हम लोग ने 33 तक देख लिया, 34 से हो रहा है, स्क्रीन पे सब क्लियरली विजिबल है, मैं सिर्फ स्क्रॉल करता हूँ। ओके, स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, आप चेक कर सकते हो। ओके, मैं सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, BMS का लिस्ट चालू है अभी तक, ये BMS का पूरा लिस्ट है। ओके, आपको ये देखना है कितने सीट बाकी है। अब यहाँ पर लेट बाबूराम विल्लोकर कॉलेज में 9 सीट है, बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, का मतलब 0, सारे सीट अलॉट हो चुके हैं, तो वो एक समझना है। 4180 टोटल सीट्स होते हैं, जिसमें 623 सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा का था, और 277 सीट पेंडिंग है, मोर देन 50% सीट कैप राउंड वन में अलॉट हो गए, बट अभी भी बहुत अच्छा मौका है। ओके, जो भी आपको चाहिए कट ऑफ विट ऑफ वो अवेलेबल है। ओके,
फिर भी आप मैक्सिमम कॉलेज का नाम अपने लिस्ट में डालो, उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो बीएमएस का खत्म हो गया, बीएचएमएस का हम लोग देख रहे हैं। देखिए चंदाबेन पटेल मेडिकल कॉलेज मुंबई 9 सीट्स, 15 सीट्स था उसमें 9 सीट अवेलेबल है। येरला मेडिकल ट्रस्ट आईएमटी जिसे हम लोग बोलते हैं, कारगर न्यू मुंबई 7 सीट्स। कॉलेज की फीस चाहिए उसकी वीडियो अलग से अवेलेबल है, आप चैनल में जाके देख सकते हो। वेरल हेमोपेटिक मेडिकल कॉलेज ये चॉइस कोड है उसकी, 11 सीट्स होते हैं, 11 अभी पेंडिंग है, आप डाल सकते हो। ओके साई हेमोपेटिक मेडिकल कॉलेज क्या अभी बोलोगे सर यहाँ पर 11 के 11 सीट्स है? क्या होता है ना कि राउंड वन में सबकी होप हाई होती है कि अरे मुझे बीएचएमएस में अप्लाई नहीं करना है, बीएमएस में ही अप्लाई करना है। ओके बट जब राउंड वन का अलॉटमेंट होता है तो सबको अपने अपना मालूम लेवल मालूम पड़ जाता है कि नहीं भाई बीएचएमएस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, वी शुड ट्राई फॉर दैट। तो अब देखिए अब ये जो 11 सीट है एक भी नहीं बचेंगे, राउंड टू में सब खत्म हो जाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कॉलेज यहाँ पर मैटर नहीं करता, पूरे महाराष्ट्र को एक ही MUHS के यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो मेडिकल प्रैक्टिस और कैसी थ्योरी पढ़ते हो वो मैटर करता है। और या BHMS इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर मेडिकल वैकेंसी स्टूडेंट। ओके ऐसा मत समझो कि BHMS डिग्री की वैल्यू नहीं है, बहुत अच्छी वैल्यू है। ओके समझ लो आप कॉम्पिटिशन कितना है, कट ऑफ कितना है, उससे मालूम पड़ता है कि कितना अच्छा इंपॉर्टेंस है। ओके बट ऑफकोर्स अभी सबको सब कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि दैट्स अ थिंग, कॉम्पिटिशन इज देयर एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पे सब क्लियरली विजिबल है। अब ये बोलोगे सर ये गुजराती किधर है, तो ये मोती वाला कॉलेज ये नासिक में है, यहाँ पर गुजराती माइनॉरिटी छे, तो जो भी गुजराती स्टूडेंट होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। KBA माइनॉरिटी होम मेडिकल कॉलेज चंदवड़ जैन, यहाँ पर JN वालों को प्रायोरिटी मिल सकती है, अप्लाई कर सकते हो। सर ओपन वाले अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, बाकी लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है कॉलेज का कोड, पहले ये सीरियल नंबर है इसको अवॉइड करो, 4 डिजिट का कॉलेज कोड है, फिर कॉलेज नाम है, एड्रेस, और ये गवर्नमेंट एड है कि नहीं, सब तो प्राइवेट ही होंगे। टोटल सीट्स कितने उसमें से ऑल इंडिया कोटा की सीट्स कितने, और लास्ट वाला अपना काम का चीज़ है, मतलब राउंड टू में कितनी सीट्स है। ओके दैट्स द थिंग, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, BHMS का देख रहे हैं हम लोग, BHMS और ये चॉइस कोड है, यही अप्लाई करना होता है। मैक्सिमम अभी नंबर डालना इस बार की राउंड टू में लगे ही लगे कॉलेज। ओके सो 32 कॉलेज देख लिया हमने, 33 देख रहे हम लोग। ओके स्क्रीन पे सब क्लियरली विजिबल है, आराम से आप चेक कर सकते हो। ओके सो ये रहा स्क्रीन पे सब क्लियरली विजिबल है, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, चेक कर सकते हो आप। 57 कॉलेज हो गया, 4510 टोटल सीट्स है, जिसमें 669 टोटल ऑल इंडिया कोटा क्या, जिसमें मोर देन 360 कॉलेज अलॉट हो चुके हैं और सिर्फ 306 सीट्स बाकी है। तो अपना लग जरूर ट्राई करें और अप्लाई जरूर करें। तो ये मैंने BHMS का देख लिया, BOMS का भी देख लेते हैं। BOMS का बहुत सिंपल है, 4 ही कॉलेज है उसमें। ओके जिसमें ये इतने सीट्स है, इतने 9997 सब में मुस्लिम माइनॉरिटी है, ओपन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 50% मुस्लिम 50% ओपन होगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 सीट्स अलॉट हो चुके 9 के 9, ये 9 में 4 बाकी है, 9 में 1 बाकी है, 7 में 7 बाकी है। चलिए तो अप्लाई करिए। ओके और BUMS में एलिजिबिलिटी में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, क्या एक्स्ट्रा हो जाता है कि यू शुड हैव वन लैंग्वेज इन वी कैन से टेंस एंड लाइक वी कैन से उर्दू या तो पर्शियन या तो अरबी। ओके दैट्स अ BUMS का एलिजिबिलिटी है, बाकी BMS BHMS तो सब चलता है। तो ये आपका था सब, मैंने बता दिया, इसका PDF चाहिए तो यहाँ पर आके आप इसमें क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, शेड्यूल चाहिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया अपने फ्रेंड लोग को बताओ, सिंपल है, मैं वापस आपको बताता हूँ, mahacity.org क्लिक किया, यहाँ पर देखिए NEET UG, मतलब ये गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, स्टेट कोटा का काउंसलिंग है और ये अपना ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग है, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अभी चालू नहीं हुआ है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, यहाँ पर शायद आएगा यहाँ पर, या तो यहाँ पर आएगा, फिर आपको लॉगिन आईडी यूज़र पासवर्ड एक बार बन मिल गया, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप डाल के कॉलेज का नाम वगैरह सब डाल सकते हो। ओके तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, यही अपडेट आपको देना था, अपडेट मैंने आपको दे दिया। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो, और मैं ट्राई करता हूँ कि कमेंट को भी मैक्सिमम रिप्लाई वगैरह करूँ। ओके और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मेडिकल सारी फील्ड के मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।